अस्सलाम वालेकुम, एसएम न्यूज़ के साथ मैं हूं अहमद नदीम। खबरों का सिलसिला बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं कराची से। हैदराबाद मोटरवे पर नूरी आबाद वैन हादसे में दो अफराद जख्मी इंतकाल कर गए, जिसके बाद जहां बाग अफराद की तादाद 17 हो गई। इस पर मुझे तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ जुल्फकार अली से। जी जुल्फकार, बताएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, कराची हैदराबाद मोटरवे पर नूरियाबाद वैन हादसे में मजीद दो जख्मी इंतकाल कर गए, जिसके बाद जहां बाक अफराद की तादाद 17 हो गई। हादसे में जख्मी 9 अफराद जेर इलाज हैं, जबकि हादसे का मुकदमा थाना नूरियाबाद में दर्ज कर लिया गया है, जिसमें वैन ड्राइवर और एक नामालूम कार ड्राइवर को नामजद किया गया है। जख्मी वैन ड्राइवर जेर हिरासत है। पुलिस का कहना है कि गुज़श्ता रोज़ हैदराबाद सुपर हाईवे M9 पर आगे जाने वाली कार का बुलेट निकलकर वैन पर लगा, जिसके बाद वैन उलट गई थी और आग लग गई। ज़राए का कहना है कि हादसे की जिम्मेदार गाड़ी कराची के इलाके गुलशन कबाल निपा पुल के करीब देखी गई। पुलिस ज़राए ने बताया कि हादसे का सबब बनने वाली गाड़ी की शिनाख्त कर ली गई। पुलिस ने कराची टूल प्लाजा से गाड़ी की CCTV फोटोज हासिल कर ली है। हादसे का शिकार होने वाली वैन में कराची के इलाके लियाकताबाद से तलक रखने वाले एक ही खानदान के 5 अफराद भी जहां बक हुए हैं। जी बहुत शुक्रिया जुल्फकार, मतलब सलाह से आगाह करने का।